नमस्कार दोस्तों, आज के इस लाइव वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी सारे लोग नए होंगे और काफ़ी सारे लोग पुराने भी साथी हैं हमारे। मैं सभी का इस लाइव वेबिनार में स्वागत करता हूं। परिचय, नाम प्रहलाद राय। जिस तरीके से आम भारतीय एक साधारण परिवार में जन्म लेते हैं, उसी तरीके से मेरा भी एक साधारण परिवार से मैं बिलोंग करता हूं। साधारण परिवार में जन्म हुआ और इस खूबसूरत बिजनेस की बदौलत आज मैं अपने सपनों की ज़िंदगी जी रहा हूं। दोस्तों, ये सबसे सही समय है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को करने का। दोस्तों, ये सबसे सही समय है एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बनने का। हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जब बात करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब हम बात करते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना और खूब सारा समय बिताना। आज इस दौर में सारी इंडस्ट्रियां लगभग बंद सी पड़ी हुई है, वहां पर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज खूब तेज गति से दौड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, खूब तेज गति से दौड़ रही है और ये सबसे सही समय है आपको प्रोफेशनल नेटवर्कर बनने का। प्रोफेशनल नेटवर्कर बनने का यानी कि आप यहां बैठे बैठे ऑनलाइन जूम के ऊपर, स्काइपी के ऊपर, गूगल हंट्स के ऊपर और ऐसे कई सारे ऑनलाइन पोर्टल है, उस ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर लोगों से मिलने का, अपने बिजनेस को बढ़ाने का। अगर मैं पहले की अगर बात करूं, अगर पहले मैं सिर्फ बॉम्बे जाता तो बॉम्बे वाले लोगों से ही मिल पाता, अगर मैं बेंगलोर जाता तो सिर्फ बेंगलोर वाले लोगों से ही मिल पाता, अगर मैं दिल्ली जाता तो दिल्ली वाले लोगों से मिल पाता, अगर मैं पटना जाता तो पटना वाले लोगों से मिल पाता, कलकत्ता जाता तो कलकत्ता वाले लोगों से मिल पाता, और जिन लोगों को मेरे को कलकत्ता में मिलना होता वो अपने घरों से दूर दूर 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर से जर्नी करके मेरे से मिलने आते। लेकिन आज इस टेक्नोलॉजी ने हमारे को ये सिखा दिया कि हम यहाँ घर में बैठे बैठे एक ही जगह पे दिल्ली वालों से भी मिल लेते हैं, बॉम्बे वालों से भी मिल लेते हैं, बेंगलोर वालों से भी मिल लेते हैं, पटना वालों से भी मिल लेते हैं, कलकत्ता वालों से मिल लेते हैं और अगर कोई भारत के बाहर है तो उससे भी मिल लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे राइट समय है आपको एज ए प्रोफेशनल नेटवर्कर बनकर अपनी इस इंडस्ट्रीज में ग्रो करने का। तो आइए हम बात करते हैं कि सब शुरू में इस पृथ्वी के ऊपर मानव आया होगा तो मानव का खान पान कैसा होगा, उसका रहन सहन कैसा होगा। हम देखते हैं, हम विचार करें कि उस समय मानव के कौन सी तरह की उनके पास स्किल हुआ होगी, किस तरह के उनका माइंड सेट हुआ होगा, किस तरह से उस समय उनके औजार हुआ करेंगे। तो हम बात देखते हैं कि शुरू में पाषाण, जैसे कि हम बात करते हैं पीछे जाके देखते हैं तो कहते हैं कि उस समय पाषाण युग था। पाषाण युग यानी कि पत्थर का युग, पत्थर जिस समय मानव की सोच थी, मानव के औजार थे वो सारे के सारे पत्थरों के औजार थे। मनुष्य जो है कि पत्थर के औजारों से अपना शिकार करता था और शिकार करके खाता था। उस समय उनके पास किसी भी संग्रह करने की आदत नहीं थी, संग्रह करने की सोच नहीं थी। जब भी भूख लगती जंगल में निकलते, शिकार करते और उसको खा लेते। न उनके पास उनको कल की चिंता थी, न आने वाले समय की चिंता थी और न बीते हुए कल की उनको कोई, उनके मन में कोई विचार था। तो उस समय जब पाषाण युग था, जिसको बोलते हैं हम हंटर एज, उस एज में उनकी सोच सिर्फ आज तक और अभी तक एक समय के लिए सीमित थी और उसमें शिकार कैसे करना है, किस पक्षी का कैसे शिकार करना है, सिर्फ उनको स्किल जो है उस शिकार करने की स्किल थी और जो औजार थे, टूल्स थे, वो भी सारे पत्थर के, कि शिकार कैसे किया जाता है, कैसे अपनी पेट की भूख को शांत किया जाए, उसी तरह के उनके टूल सेट थे।
जब कुछ दिनों तक शिकार हंटर एज चलता रहा, हंटर एज के बाद में आया फार्मिंग एज। जो ही फार्मिंग एज आया तो मानव के भीतर एक पैसेंस आया, यानी कि उसको पास पैसेंस आया, वो बीजों को बोए, देन उन बीजों की निराई गुड़ाई करे, देन उन बीजों की रक्षा करे, और उसके जब फल लगे तो उसको फसल को काट के वो खाए, देन वो करीब 5-6 महीने तक उसको स्टोर कर सके। तो धीरे धीरे उसके अंदर उस तरह के फार्मिंग एज में, यानी कि उस तरह की सोच हुई कि अब वो कल की चिंता करने लगा, कुछ चीज़ों का संग्रह करने लगा, कैसे खेती है, उसी तरह की उन्होंने स्किल सेट सीखी और उसी तरह के उनमें टूल्स डेवलप किए। जब फार्मिंग एज आई तो फार्मिंग एज में जो पाषाण युग का जो माइंडसेट था वो फार्मिंग एज में काम नहीं करता था, जो पाषाण युग की जो स्किल थी वो फार्मिंग एज में काम नहीं करती थी, जो पाषाण युग के टूल्स थे वो फार्मिंग एज में काम नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये मानव में बदलाव हुआ। जब फार्मिंग एज आई, फार्मिंग एज के बाद में जो आया वो आई इंडस्ट्रियल एज। इंडस्ट्रियल एज यानी कि इंडस्ट्री का एज आया और उस समय धीरे धीरे लोगों की और सोच बदली, लोग बाग इंडस्ट्री लगाने लगे, इंडस्ट्री में काम करने लगे और ज़मीनों के ऊपर इंडस्ट्रियाँ लगने लगी। तो उस समय इंडस्ट्री के अंदर जो भी काम आने वाली चीज़ें हैं उस तरह की उनकी सोच हुई, उसी तरह का उनको स्किल सीखा और उसी तरह के उन्होंने टूल्स ईजाद किए। देन इसके बाद आया है नॉलेज एज। नॉलेज एज यानी कि धीरे धीरे लोगों ने सीखना सीखा, धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर फार्मिंग एज आई, फार्मिंग एज के बाद में जो इंडस्ट्रियल एज आई, इंडस्ट्रियल एज के बाद में जब नॉलेज एज आया तो नॉलेज एज में आदमी सीखने लगा, कुछ काम करने लगा और काम करके साथ साथ उसी तरीके से जो कि इंडस्ट्री को कैसे रन किया जाए, इंडस्ट्री में कैसे प्रोडक्शन किया जाए, इंडस्ट्री से कैसे पैसा कमाया जाए, तो ये सारी चीज़ें स्किल और सीखना शुरू किया। देन उसी तरह का इंडस्ट्रियल एज में उन्होंने इंडस्ट्री को कैसे ग्रो किया जाए उसी तरह का माइंडसेट हुआ, उसी तरह की उन्होंने स्किल सीखी और उसी तरह के उन्होंने टूल्स यानी कि औजार काम में लिए। और कहते हैं सृष्टि का रूल है कि आपको माइंडसेट को हमेशा और स्किल सेट और माइंडसेट ने टूल सेट को डिमांड के हिसाब से आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। जब इंडस्ट्रियल एज आई तो आज देखें कि अभी जो है कि वो क्रॉस ओवर एज, यानी कि टेक्नोलॉजी का एक रिप बनता है कि टेक्नोलॉजी हर 18 महीने में टेक्नोलॉजी चेंज होती है, और टेक्नोलॉजी का एक रिप बनता है कि जो भी टेक्नोलॉजी आती है हर 18 महीने में वो चेंज होने लग जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करके, इस बदलाव को स्वीकार करके अपने आप को नहीं बदलते वो इस दुनिया में आउट हो जाते हैं, वो इस दुनिया से आउट हो जाते हैं। और क्रॉस ओवर ट्रेंड का जो ऐसा है कि क्रॉस ओवर ट्रेंड में आपका जनरेशन गैप आता है। आज हम देखते हैं कि हमारे को अगर मोबाइल में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो हम अपने बच्चों को देते हैं और हम बच्चे जो है हमारे को समझते हैं पापा आपको इतना ही नहीं आता। इसी तरीके से हम हमारे विचार और हमारे दादाजी के विचार नहीं मिलते हैं कि टेक्नोलॉजी में, तो इसी तरीके से ये क्रॉस ओवर एज है जहाँ की एक जनरेशन गैप है। इस जनरेशन गैप में जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाता है और कुछ लोग अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आप देखें हम इसमें कहने में ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि प्राइमर पद्मनी जो एक कार हुआ करती थी, प्राइमर पद्मनी कार जो है को पहले रोडों पे वो नजर आती थी, लेकिन उन्होंने समय के साथ नहीं बदला तो वो आज रोडों पे नहीं दिखती। इसी तरीके से नोकिया मोबाइल ने अपने आप को बदला नहीं तो वो आज मार्केट से आउट है। अगर हम इसी तरह से बात करें कि टाइपिस्ट, पहले हम अगर कोई भी चीज़ों का टाइप करना होता था तो हम टाइपिस्ट के पास जाते और उससे टाइप करवाते हैं, लेकिन आज टाइपिस्ट जो है कि हम देखने को कहीं नहीं मिलता, यानी कि ये भी समय का बदलाव है। तो हमें क्या है कि हमें हमारी पास्ट की जो सक्सेस है वो गारंटी नहीं है कि हमें नहीं बदलना होगा, अगर हमें चेंज करना होगा समय के अनुसार, अगर हमें जीवन में ग्रोथ चाहिए, अगर हम हमारे व्यापार में ग्रोथ चाहिए, अगर हमें हमारी इनकम में ग्रोथ चाहिए तो हमें बदलना होगा। अब कुछ लोग जो हैं कि बदलना जो किस तरीके से, जिस तरीके से बदलाव जब भी होता है, बदलाव मींस पेन, यानी कि जब भी हम किसी चीज़ों को बदलते हैं या अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं या हम बदलाव के बारे में सोचते हैं तो हमें दर्द होता है सब।
पेन होता है, कहते नहीं कि जो जिस पेन होता है और इस पेन के साथ साथ हमें हमें हमारे जीवन में कुछ सेक्रीफाई करना होगा, सेक्रीफाई करना होता है। लोग उस दर्द को, कुछ लोग उस दर्द को सह नहीं पाते हैं, कुछ लोग उस दर्द को सह पाते हैं लेकिन सेक्रीफाई नहीं करते हैं। और अपने कंफर्ट जोन से, अब कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। जब भी चेंज होता है तो कंफर्ट जोन से हमें बाहर आके सोचना पड़ता है, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करना होता है। और अनसर्टेनिटी महसूस होता है कि पता नहीं इस चेंज को मैं एक्सेप्ट करता हूं तो पता नहीं क्या होगा, तो इस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना होता है। और देन एंजाइटी यानी कि कई तरह की उत्सुकता होती है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। और जब हम चेंज करते हैं तो साहब कई तरह की प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर हमें जीवन में अगर ग्रोथ चाहिए तो हमें चेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा और चेंज करना पड़ेगा। तैयार हैं आप चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए तैयार हैं? तैयार है तो हम बात करते हैं कि देखिए कि हंटर एज में जो माइंड स्किल थी, हंटर एज में जो स्किल सेट थी, हंटर एज में जो टूल्स थे वो फार्मिंग एज में काम नहीं आए। जो फार्मिंग एज में माइंड सेट था, फार्मिंग एज में जो टूल्स थे, फार्मिंग एज में जो स्किल थी वो इंडस्ट्रियल एज में काम नहीं आई। और जो इंडस्ट्रियल एज में माइंड सेट था, जो इंडस्ट्रियल एज में स्किल सेट था, जो इंडस्ट्रियल एज में जो आपके टूल्स थे वो आपके नॉलेज एज में काम नहीं आए। और नॉलेज एज के बाद अभी जो चल रहा है वो क्रॉसओवर चल रहा है, क्रॉसओवर एज यानी कि अब आने वाला है विजडम एज। जी हाँ दोस्तों, विजडम एज यानी कि जिन लोग कहते हैं कि बुद्धिमान लोग पैसे से व्यापार नहीं करते हैं, बुद्धि से व्यापार करते हैं। तो विजडम एज में क्या है कि विजडम एज का मतलब है कि एक अलग तरह की क्रिएटिविटी, एक अलग तरह की क्रिएटिविटी और क्रिएटिविटी और रिलेशनशिप को मिलाकर ये आपका एक विजडम एज बना है। और इस विजडम एज में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज है ये एक विजडम एज में है, जो एक ऐसी क्रिएटिविटी है कि जिस तरीके से पुराना जो ट्रेडिशनल मार्केट था उस ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर एक मैन्युफैक्चर होता था, मैन्युफैक्चर के बाद एक सीएनडीएफ एजेंट होता, सीएनडीएफ एजेंट के बाद एक होलसेलर होता, होलसेलर के बाद एक रिटेलर होता और रिटेलर के बाद एक कंज्यूमर होता। मैन्युफैक्चर से सीधा प्रोडक्ट जो है कि कंज्यूमर के पास आने में इन प्रक्रियाओं में से गुजरना होता, लेकिन इस विजडम एज ने इस तरह का तरीका इजाद किया कि मैन्युफैक्चर से सीधा प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास आए और जो बीच का पैसा है वो बीच का पैसा उन कंज्यूमर के नेटवर्क में बटे। ये जी हाँ दोस्तों, ये विजडम एज की क्रिएटिविटी है। लेकिन इस विजडम एज के क्रिएटिविटी में कुछ लोग इस परिवर्तन से में अनअवेयर हैं, वो इस परिवर्तन के बारे में जानना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग जो हैं कि इस परिवर्तन को अपोज कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी कामयाबी के लिए इस परिवर्तन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इस परिवर्तन पर काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग आज इस लाइव वेबिनार को देख रहे हैं तो इस परिवर्तन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, इस सिस्टम को समझने के लिए तैयार हैं। और जब भी कहते हैं ना कि क्रॉस ओवर एज आती है तो क्रॉस ओवर एज हमेशा एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है। जी हाँ दोस्तों, एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है और आपके सामने आज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि किस तरीके से आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में, आरसीएम बिजनेस में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। अब बात करेंगे हम आने कि व्हाट इज द डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में कोई भी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बनाता है, वो प्रोडक्ट जो है सीधा कंज्यूमर के पास जाता है सब, और कंज्यूमर जो है कि डोर टू डोर या वन टू वन लोगों से मिलकर इस प्रोडक्टों की जानकारी देते हैं और इस प्रोडक्टों के बारे में अवेयरनेस पैदा करते हैं। जी हाँ, यही एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के क्या फैक्ट है और क्या मिथ है। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग की जो शुरुआत हुई ये 1886 में हुई। जी हाँ, 1886 में। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज कोई नई नहीं है, ये बहुत ही पुरानी 134 साल पुरानी इंडस्ट्रीज है। 1886 में डायरेक्ट सेलिंग की बिजनेस की स्थापना हुई, एक कंपनी ने इसकी शुरुआत की। 1886 से 1925 में इस इंडस्ट्रीज का
300 से 500 मिलियन यूएस डॉलर टर्नओवर था। फिर 1925 के बाद 1940 और 1960 में इसमें कई तरह की कंपनियां और आई, और इस मॉडल को जो डायरेक्ट सेल था, डायरेक्ट सेल से मल्टी लेवल मार्केटिंग में चेंज हुआ। ये जी हाँ, 1940 से 1960 के बीच में ये डायरेक्ट सेलिंग से ये मल्टी लेवल मार्केटिंग में ये मॉडल स्थापित हुआ। फिर 1970 में कई तरह के डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट आए, इसमें कई तरह के और कंपनियां आई, इसमें फूड प्रोडक्ट, वेलनेस प्रोडक्ट और हाउस होल्ड के प्रोडक्ट भी आए इसमें। और भारत के अंदर ये 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी, और लेकिन 1996 में बाहर की मल्टीनेशनल कंपनी ने आके भारत में काम करना शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, 1996 में, और जब 1996 में बाहर की कंपनी आके यहाँ काम करना शुरू किया, तब इस कंपनी के फाउंडर मिस्टर टीसी छाबड़ा जी के मन में एक तरह का विचार आया, और उन्होंने कहा कि जितने भी बाहर की जो कंपनीज हैं, इनके प्रोडक्ट भारत के आम आदमी के जरूरत के नहीं हैं, या आम आदमी इन प्रोडक्टों को इतना एफर्ट नहीं कर सकता। उन प्रोडक्टों को देखने के बाद उनके मन में विचार आया कि ये जो बाहर की कंपनियाँ, जितने भी कंपनीज हैं, इनके प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर 2% 3% 4% लोगों के लिए है, लेकिन भारत के आम आदमी के लोगों के मन, लोगों के लेवल के नहीं है। तो उनके मन में यह विचार आया, कहा कि आखिर भारत के हर आदमी की मूलभूत आवश्यकता है क्या। तो उनके दिमाग में आया कि रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी, कपड़ा और मकान। और उस समय इस कंपनी के पास सिर्फ एक प्रोडक्ट था, वो था कपड़ा। तो उन्होंने कहा कि आदमी की मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान, तो हमारे पास कपड़ा है। और एक पैंट पीस से इस कंपनी की शुरुआत हुई। जी हाँ दोस्तों, एक पैंट पीस से इसकी शुरुआत हुई। आज एक पैंट पीस से शुरुआत होकर इसमें गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के टोटल प्रोडक्ट हैं, लेडीज एंड जेंट्स टोटल अंडर गारमेंट्स हैं, पैंट्स हैं, ट्राउजर्स हैं, शर्ट्स हैं, प्लस टी शर्ट्स हैं, लोअर्स हैं, अंडर गारमेंट्स हैं, प्लस फूड सप्लीमेंट के हेल्थ फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट हैं, प्लस एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं, कई तरह के इसमें प्रोडक्ट हैं। जी हाँ दोस्तों, और इस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये शुरुआत हुई, देन इस इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है हर साल बढ़ता जा रहा था। अगर हम बात करें 2015 के टर्नओवर की, तो आप देखिए 2015 का टर्नओवर कितना, 183.6 बिलियन डॉलर था। फिर 2016 के अंदर 187.00 बिलियन डॉलर था, 2017 में 190.6 बिलियन डॉलर था, और 2018 में 192.9 मिलियन डॉलर था। तो दोस्तों हर साल ये इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है, ये टर्नओवर आपके, ये आंकड़े आपके सामने हैं। और इसमें एक कई लोग जो है हर साल इसमें कई तरह के नए नए लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं अभी। जी हाँ दोस्तों, पूरे अगर वर्ल्ड वाइड के अगर सीनियर की अगर हम बात करें, तो पूरे वर्ल्ड वाइड के सीनियरों में 74% वुमन काम, महिलाएं काम कर रही है, और 26% इसमें पुरुष काम कर रहे हैं। और इस इंडस्ट्रीज में हर तरह के लोग, हर तरह के, छोटे से लेके बड़ा तक, 18 साल से 65 साल के, हर एज के, हर एक गरीब से लेके एक अमीर आदमी, हर बैकग्राउंड के लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। लगभग 16.6 यानी कि लगभग 10.5 मिलियन लोग इसको फुल टाइम कर रहे हैं, 42.9 मिलियन लोग जो हैं इसको पार्ट टाइम कर रहे हैं, और 64.9 बिलियन लोग जो हैं कि इसको सिर्फ उपभोक्ता बन के, क्योंकि उनको डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं साहब। ये डायरेक्ट सेलिंग के कुछ आपको फैक्ट बताएं। अगर हम बात करें कि भारत में इसका क्या स्कोप है, तो आज फिक्की की और प्लस डायरेक्ट सेलिंग, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की अगर हम एक रिपोर्ट देखें, तो टॉप 10 जो मार्केट हैं, उस टॉप 10 ऐसे प्रदेश हैं जहां की डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा बिजनेस हो रहा है। तो हम अगर बात करें तो पहले नंबर पे चाइना आता है, दूसरे नंबर यूएसए आता है, तीसरे पे कोरिया आता है, चौथे पे जर्मनी, पांचवें पे जापान, छठे पे ब्राजील, मेक्सिको, फ्रांस, मलेशिया और ताइवान आता है, लेकिन टॉप 10 में कहीं भी भारत का नाम नहीं है। अगर हम भारत, इसका मतलब यह है कि भारत पूरे विश्व में पॉपुलेशन की दृष्टि से देखें तो दूसरा स्थान, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की अगर दृष्टि से देखें तो डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर बहुत ही कम हो रहा है, यानी कि माइनस, अगर पूरे डायरेक्ट सेलिंग के टर्नओवर के हिसाब से देखें तो 1% टर्नओवर भी नहीं है। जी हां दोस्तों, सिर्फ 1% टर्नओवर भी नहीं है, और 1% टर्नओवर नहीं है उसके बावजूद भी आप डायरेक्ट सेलिंग के जब सेमिनार्स होती है, मीटिंग होती है, उस मीटिंग में जाके बोलते हैं लोग बोलते हैं कि मेरे इस बिजनेस से 1 लाख रुपए
रुपए की इनकम आ रही है, कोई बोलता है कि मैं इस बिजनेस से 50,000 रुपये महीने की इनकम आ रही, कोई बोलता 5 लाख की इनकम आ रही, कोई बोलता मेरे पास 1 करोड़ की इनकम आ गई, कोई बोलता 2 करोड़ की इनकम आ गई, कोई बोलता 10 करोड़ की इनकम आ गई। तो जरा आप सोचें कि अभी तक पूरे भारत में सिर्फ 1% टर्नओवर है, और इस 1% से कम टर्नओवर होने के बावजूद भी लोग इसमें लाखों रुपये करोड़ों रुपये कमा रहे हैं, लाख करोड़ों रुपये इनकम आ रही है। जब अगर यूएस की तरह से, चाइना की तरह से जब डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर अगर भारत में होने लग जाए, तो जिस व्यक्ति की इनकम आज 1 लाख रुपया है, आप जरा सोचो कि उस व्यक्ति की इनकम कितने रुपए होगी। जिस व्यक्ति की इनकम आज अगर 1 करोड़ रुपया है, तो उस व्यक्ति की इनकम कितनी होगी, जरा आप इमेजिन करके। तो भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का बहुत ही बड़ा स्कोप है, और भारत में भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की काफी सारी ग्रोथ हो रही है, हर साल इसमें ग्रोथ इजाफा हो रहा है, हर साल इसमें कई तरह लोग जुड़ते जा रहे हैं। और केपीएमजी की अभी फिक्की, और केपीएमजी की अगर हम एक रिपोर्ट की बात करें, तो उसमें फिक्की केपीएमजी की इस रिपोर्ट में बोला गया कि 2025 में भारत का टर्नओवर लगभग 64,500 करोड़ रुपए होगा। जी हाँ, 64,500 करोड़, जो कि अभी डायरेक्ट सेलिंग का भारत में टर्नओवर है 13,000। आप जरा सोचें कि आने वाले 5 साल में 13,000 से लगभग 65,000 करोड़ होगा, यानी कि 5 गुना वृद्धि होगी, सब 5 गुना वृद्धि होगी। तो आप देखें कि भारत में कितना बड़ा स्कोप है। अगर हम वैसे भी अगर बात करें आम लोगों की, अगर हम एक सर्वे के हिसाब से, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, सर्वे के हिसाब से अगर हम बात करें, तो मोर देन 60 मिलियन पीपल जो है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को पसंद करते हैं साहब। लगभग 84% लोग जो है कि इस नेटवर्क में डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग को पार्ट टाइम करने के लिए इच्छुक हैं साहब। लगभग 16% लोग हैं जो कि इसको फुल टाइम करने के इच्छुक हैं। लगभग ये देखिए कि 70% पीपल लोग हैं जो कि इस इंडस्ट्री को प्यार करते हैं, इस इंडस्ट्री को पसंद करते हैं। 84% पीपल रिकमेंड करते हैं साहब इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को। 99% डायरेक्ट सेलर जो है कि इसके अंदर हाई स्कूल पास है साहब, हाई स्कूल पास है 99% लोग जो इस डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्रीज में जो लोग काम कर रहे हैं वो हाई स्कूल पास है साहब। और इस इंडस्ट्रीज में 52% लोग ऐसे जो कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमाधारी है, वो लोग भी इस इंडस्ट्रीज को पसंद करते हैं, इस इंडस्ट्री को रिकमेंड करते हैं। अगर हम बात करें कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से लोगों को घरों में कितनी इनकम जा रही, तो मैं ये आंकड़ा बता रहा हूं सर आपको 2017 का। 2017 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से 76 बिलियन पैसा डायरेक्ट सेलरों के अंदर कमीशन के रूप में बटा साहब। जी हाँ, कितना? 76 बिलियन, या कि अगर हम बात करें तो 5,77,273 करोड़ रुपए जो कि मिडल मैन का पैसा जाता था, वो मिडल मैन का पैसा आम आदमी डिस्ट्रीब्यूटर में बटा साहब। जी हाँ दोस्तों, इतनी बढ़िया सुंदर इंडस्ट्री में आप जब ज्वाइन होकर काम करने का निर्णय लेते हैं, जब आप निर्णय लेते हैं, तो आप बन जाते हैं एक बिजनेसमैन, आप बन जाते हैं अपने सपनों को पूरा करने वाले, आप बन जाते हैं लोगों को रोजगार देने वाले, और आप बन जाते हैं जो दूसरों के सपनों को पूरा करवाने वाले। और हाँ जी हाँ दोस्तों, आप बन जाते हैं ऐसे बिजनेस एंटरप्रेन्योर, आप बन जाते हैं एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। जब आप बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, तो ये इंडस्ट्रीज में आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं और लोगों के सपने पूरे करवा सकते हैं। जी हाँ, यह है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। जब आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में जब आप कामयाब होते हैं, आप चाहते हैं कि आप लग्जरी लाइफस्टाइल जिए, आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी हेल्थ हो। दुनिया का हर आदमी चाहता है अच्छी लग्जरी लाइफ जीना, दुनिया का हर आदमी चाहता है कि उसके और उसके परिवार वालों की अच्छी हेल्थ हो, गुड हेल्थ हो। हर आदमी चाहता है कि बेटर पर्सनालिटी हो, हर व्यक्ति चाहता है कि पैसिव इनकम। जी हाँ, आप पैसिव इनकम लेने वाले भी बन जाते हैं और पैसिव इनकम दिलाने वाले भी बन जाते हैं। तो लग्जरी लाइफ, गुड हेल्थ, बेटर पर्सनालिटी और पैसिव इनकम, इन सब के लिए चाहिए कैश, पैसा, रोकड़ा।
जब केस सी ए एस एच केस चाहिए तो आपको काम करना होगा के ए एस एस एच यानी कि केस, सी ए एस एस सी ए एस एच चाहिए आपको, केस चाहिए तो आपको काम करना होगा के ए एस एस एच केस के ऊपर, यानी कि के फॉर नॉलेज, ए फॉर एसोसिएशन एंड एटीट्यूड, एस फॉर स्किल, एस फॉर स्ट्रेटेजी और एच फॉर हैबिट। नॉलेज यानी कि ज्ञान, कहते हैं कि ज्ञान, आप कोई भी काम करें, हम चाहे हम खेती करें, चाहे हम नौकरी करें, चाहे हम व्यापार करें, कुछ भी करें साहब, हमारे को उस सब्जेक्ट का हमारे को नॉलेज लेना पड़ता था। अगर हम उस सब्जेक्ट का हमारे को नॉलेज लेना पड़ता है, चाहे आप इंजीनियरिंग करें, चाहे आप डॉक्टर बने, चाहे आप एक मजदूर बने, चाहे आप एक राजमिस्त्री बने, चाहे आप एक इलेक्ट्रिशियन बने, चाहे आप कुछ भी बनेंगे साहब, लेकिन उस सब्जेक्ट का आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में भी आपको कामयाब होना है तो हमें इस सब्जेक्ट का, डायरेक्ट सेलिंग का हमारे को नॉलेज लेना पड़ेगा। देन हमारे का चाहिए साहब एटीट्यूड, के एक के बाद में एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी कि हमारा हमेशा विनिंग एटीट्यूड है या ब्लेमिंग एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड है या हम नेगेटिव एटीट्यूड है, तो हमारे को एटीट्यूड रखना, अच्छा एटीट्यूड रखना पड़ेगा, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा और विनिंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा। और देन हमें एसोसिएशन करनी पड़ेगी, हमें संगत करनी पड़ेगी अच्छे लोगों की, कामयाब लोगों की हमें एसोसिएशन करनी पड़ेगी। देन आता है स्किल। स्किल यानी कि हमारे को हर सब्जेक्ट की अलग अलग स्किल है साहब। अगर आप खेती कर रहे हैं तो आपको हल चलाना, जमीन को बोना, फसल को बोना, फसल की कटाई करना, फसल को निकालना, फसल का भंडारण करना, आपको ये स्किल है साहब। अगर आप मिट्टी यानी कि बर्तन बनाने का काम, मिट्टी के अगर बर्तन बनाने का काम करते हैं तो मिट्टी को गलाना, मिट्टी को रौंदना और उस मिट्टी से बर्तन बनाना, देन उसको पकाना, ये भी एक स्किल है। तो हर संदे की, हर सब्जेक्ट की अलग अलग स्किल होती है। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी आपको इस इंडस्ट्री से संबंधित या डायरेक्ट सेलिंग से संबंधित आपको स्किल सीखनी होगी, प्रेजेंटेशन स्किल सीखनी होगी, लोगों से कैसे बात करनी है ये स्किल सीखनी होगी, लोगों को कैसे प्लान दिखाना ये स्किल सीखनी होगी, प्रोडक्ट की नॉलेज हमारे पे स्किल सीखनी होगी। देन हमें ये सारी चीजें स्किल सीखने पे काम करना होगा। तथा हैबिट कहते हैं कि व्यक्ति आदतों का निर्माण करता है और वही आदतें व्यक्ति का निर्माण करती है। तो हमें अगर जीवन में कामयाबी चाहिए तो हमें आदतों पे काम करना होगा साहब। और इस कोरोना काल में सबसे बढ़िया समय है हमारे को अच्छी आदत डालने का और हमारी पुरानी आदतों को बदलने का। इस समय हमारे को हैबिट डालनी पड़ेगी रोज एक्सरसाइज करने का, व्यायाम करने का, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़े। हमें हैबिट डालनी होगी लोगों से फोन पे बात करके कॉलिंग की हैबिट डालनी होगी, लोगों से संपर्क बनाने की हैबिट डालनी होगी, किताब पढ़ने की हैबिट डालनी होगी, पॉजिटिव एटीट्यूड की वीडियो देखने की हैबिट डालनी होगी। तो हमें हैबिट पे काम करना पड़ेगा। अगर आपको सी ए एस एच केस चाहिए तो आपको के ए एस एस एच यानी कि केस पे काम करना होगा। ये दोस्तों पूरी की पूरी बात है आपके माइंडसेट की। माइंडसेट कहते हैं कि जापान में, जापान के लोगों का मानना है कि जापान में कोई मछली होती है और कोई मछली को धन समृद्धि सफल कैरियर और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। लेकिन कोई मछली की एक खासियत है कि जब वो पैदा होती है तो बहुत छोटी सी होती है, 2 से 2 इंच की, लेकिन जब उसको अगर आप एक पॉट में डाल दें, जब आप एक पोर्ट में डाल देते हैं, इतने से बड़े पोर्ट में डाल देते हैं, तो उस मछली की साइज हो जाती है 4 से 5 इंच की। लेकिन उसी को आप एक बड़े से कुंड में डाल देते हैं तो उस मछली की साइज हो जाती है 1 से 1.5 फीट की। लेकिन उसी मछली को अगर आप समुद्र में छोड़ देते हैं तो उस मछली की साइज बहुत बड़ी हो जाती है। तो मछली वो की हुई, उसका डीएनए वो का हुई, लेकिन उसको जब छोटे से पोर्ट, इस पोर्ट में डालते हैं तो उस मछली की साइज छोटी रहती है। उसको हम अगर तालाब या बड़े उसमें डाल देते हैं तो उस मछली की साइज थोड़ी 4-5 फीट हो जाती है, लेकिन उसी मछली को जब हम समुद्र में डाल देते हैं तो उसकी साइज बहुत बड़ी हो जाती है। आखिर क्या है कि उस मछली की सबसे बड़ी खासियत है कि मछली वो कौवे, लेकिन मछली के डीएनए में ऐसा है कि वो जिस बर्तन में है उस बर्तन के अनुरूप अपने शरीर का निर्माण करती है। इसी तरीके से आपको भी अपने माइंड का सेट, अपनी थॉट को चेंज करके अपना बड़े निर्माण करना। बात करते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग की, आरसीएम बिजनेस की। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा करते हैं कि एक आम आदमी जब तक नौकरी पर नहीं जाता तब तक उसके घर पे इनकम नहीं आती। जी हाँ दोस्तों, सही है ना,
कि जब तक कोई भी व्यक्ति नौकरी पर नहीं जाएगा, कोई काम नहीं करेगा, जब तक उसके घर पर इनकम नहीं आती। और नौकरी जब तक आप पढ़ते नहीं तब तक आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती। जी हाँ दोस्तों, जब तक आप पढ़ते नहीं तब तक आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती। अगर आप पढ़ाई कर भी लेते हैं लेकिन अगर आप में क्वालिटी, एबिलिटी, योग्यता नहीं है तो आपको नौकरी लगती नहीं, और नौकरी अगर मिल भी जाती है तो तुरंत वो चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कई सारे लोग नौकरियां बदल रहे होंगे। जी हाँ, अब आपको नौकरी के लिए पढ़ना जरूरी है तभी जाके नौकरी लगती। इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में भी अगर आपको कामयाब होना है तो आपको सीखना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में भी सीखना जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में अगर हम बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में जब तक आपके पास कमीशन यानी कि जब तक आपके पास पैसा नहीं आता, जब तक कि आपके ग्रुप में बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट नहीं होता, आपके आपका वॉल्यूम जब तक बड़ा नहीं हो सकता जब तक कि आप लोगों को प्लान नहीं दिखा देते हैं। आप प्लान तब तक नहीं दिखा सकते हैं जब तक कि आप प्रोस्पेक्ट से मिलना लें। आप तब तक नहीं मिल सकते हैं जब तक कि आप उन लोगों को फोन कॉल ना कर लें, और आप फोन कॉल तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपके पास रिकॉर्ड यानी कि उनकी लिस्ट नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, अगर डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको कामयाब होना है तो हमें लिस्ट पे काम करना पड़ेगा, लिस्ट बिल्ड करनी पड़ेगी। जब आप निर्णय ले लेते हैं कि मुझे आरसीएम करना है और आरसीएम में अपना कैरियर बनाना है, तो दोस्तों जिस तरीके मैं आपको एक छोटी छोटी सीढ़ियों पे बात करूंगा, जिस तरीके से हम मकान पर चल एक नीचे से जब मकान के छत पर जाते हैं तो हम डायरेक्ट छत पर नहीं जाते हैं, छोटी छोटी सीढ़ियों पर चलकर हम छत पर जाते हैं। इसी तरीके से आरसीएम में भी आपको ऐसे में छोटे छोटे स्टेप बताता बात करेंगे कि क्या वो छोटे छोटे स्टेप है। सबसे पहला है कि हमें इस बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद हमें अपनी दुकान पर काम करना है। किस पे का? जी हाँ दोस्तों, अपनी दुकान पर, अपनी दुकान अपने लिए और अपनों के लिए। जब आप अपनी दुकान का मतलब यह है कि हमारे परिवार में जितना भी सामान लगता है, हमारे घर में जितना भी एक महीने का सामान लगता है, एक महीने की जगह पे चार महीने का सामान आप लेके आ जाइए सर। जितना सामान आपके घर में एक महीने में लगता है उतना सामान आप चार महीने, उतना ही सामान आप चार महीने का सामान राशन लेके आ जाएं। और चार महीने का जब आप सामान लेके आ जाएंगे तो कहा इतने को मैं क्या करूं, उतने उन सामानों को आप अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार आने वाले लोगों को आप बताएं सर। जब आपकी अपनी दुकान होगी तो आपके घर में एक बहुत अच्छा सा पॉजिटिव माहौल बनेगा, प्लस आपके पास जो भी मिलने जुलने वाले लोग अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों को इस टाइम में जो उनको घर में सामान चाहिए, साबुन चाहिए, तेल चाहिए, सर्फ चाहिए, आटा चाहिए, नमक चाहिए, हल्दी चाहिए, मिर्ची चाहिए, धनिया चाहिए, चाय की पत्ती चाहिए, ये शैम्पू चाहिए, ये जब सामान सारे आपके पास मिलेंगे तो क्या है आपसे आके ले जाएंगे और आपकी होगी सर सेल बढ़ेगी आपकी, और आप एक आम आदमी से आप बन जाएंगे एक बिजनेसमैन, यानी कि आप अपने चीज़ों को बेचने वाले यानी कि आप बन जाएंगे एक बिजनेसमैन। तो सबसे पहला काम है अपनी दुकान। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपनी दुकान करेंगे तो अपनी दुकान लगा का ओपन कर लेंगे, अपनी दुकान का जब आप इनोग्रेशन कर लेंगे तो अपनी दुकान लगाने से आपका डायमंड क्लब ऑटोमेटिक होने लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, डायमंड क्लब होने लग जाएगा, और जब डायमंड क्लब होगा तो आपको MRP और BV की MRP और DP का जो डिफरेंस है उसके अलावा भी उसमें कुछ इनकम होगी, और उसके अलावा भी आपको महीने का मिनिमम 600 से 1000 रुपए के बीच में आपके घर में आएगा। जी हाँ दोस्तों, सामान यूज करने से आपके घर में पैसा आएगा और प्रोडक्टों को रिकमेंड करने से आपके घर में पैसा आएगा। अब हम अपनी दुकान में हमारे पास कई तरह के प्रोडक्ट हैं सर, हमारे पास एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट है। अगर आप गाँव में रहते हैं तो इस लॉकडाउन के पीरियड में हर इंडस्ट्रीज में लॉकडाउन लगा लेकिन एग्रीकल्चर पे कोई लॉकडाउन नहीं लगा। जी हाँ दोस्तों, एग्रीकल्चर में कोई लॉकडाउन नहीं लगा, यानी कि आपके पास एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं। अगर आप शहरों में रहते हैं तो घरों की छतों पर, यह सबसे बड़ा टाइम है कि घरों की छतों पर गमलों के अंदर सब्जियाँ उगाने का, और उस समय आप उसमें प्रोडक्ट में आप काम कर सकते हैं गार्डन गोल्ड पर। जी हाँ दोस्तों, गार्डन गोल्ड पर, यानी कि हमारे पास एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट है, प्लस महिलाओं के लिए कीसोल प्रोडक्ट हैं जो कि अंडरगारमेंट, कॉस्मेटिक के, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, काजल,
सिंदूर, इस तरह के कई तरह के प्रोडक्ट हैं। और इस समय हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है वेलनेस के प्रोडक्ट, वेलनेस के प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, न्यूट्री चार्ज पे काम करें, न्यूट्री चार्ज भी आप घर में रखिए। और फ्यूचर फूड हमारा जो कि गुड डोट, जो कि हमारा फ्यूचर फूड है, गुड डोट को भी रखिए, गुड डोट पे भी काम कीजिए, नॉलेज लीजिए सर, आप नॉलेज लीजिए। और आपको जब आप ये निर्णय ले लेते हैं तो आपको करना क्या होगा सर, कि जब आप ये निर्णय ले लेते हैं कि मुझे कामयाब होना है, और आप इसमें छोटे छोटे स्टेप को शुरू कर। जी हाँ दोस्तों, जब आपने अपनी दुकान खोल ली अपने लिए और अपनों के लिए, देन आपका दूसरा स्टेप है सर अगले महीने 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करने का, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करने का। यानी कि खुद को खुद ज्वाइन हुए, फिर आपने दो लोगों को ज्वाइन कराया, उन दो लोगों ने दो दो लोगों को ज्वाइन करवाया, और उनके भी यहाँ पे भी उन्होंने उनके घरों में भी आप जब अपने अपनी दुकान खोली तो आपका बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा सर 10,000 का। जी हाँ दोस्तों, ये छोटे छोटे स्टेप में बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप सीढ़ी दर सीढ़ी पर चढ़ के इस इंडस्ट्रीज में, आरसीएम बिजनेस में आप कामयाब हो सकते हैं। देन तीसरा स्टेज आता है सर हमारे छोटे छोटे रिकग्निशन के वाइटल पिने हैं, वाइटल लेवल है सर। उन वाइटल लेवल के लिए सबसे पहला आता है बिगनर। जी हाँ दोस्तों, बिगनर जब आप वाइटल लेवल को आप काम करते हैं तो वाइटल लेवल को जब आप बिगनर पे वाइटल लेवल को आप हासिल करते हैं तो वाइटल लेवल बिगनर वाइटल लेवल के लिए टोटल बिजनेस चाहिए सर आपका 20,000, टोटल बिजनेस 20,000 बिगनर के लिए। और विकर लेक में आपको चाहिए 5,000 का बिजनेस, जहां तो आपका बिगनर वाइटल लेवल आ जाता है। जहां दोस्तों, देन कहते हैं कि आपको हर महीने आपको इस पे ग्रोथ पे काम करना है। जी हाँ दोस्तों, हर महीने आपको ग्रोथ पे काम करना है। जी हाँ, ग्रोथ यानी कि हर महीने, अगले महीने अगले पायदान पर, अगले महीने अगले पायदान पर, अगले महीने अगले पायदान पर। तो हमने शुरुआत की बिगनर से, डायमंड क्लब से, यानी कि अपनी दुकान और अपने अपनों के लिए। और दूसरा हमने किया कि दूसरे महीने हमने 5,000 से हमने 10,000 के बिजनेस पे हमने शिफ्ट किया, यानी कि हमें 10,000 का बिजनेस। देन तीसरे महीने हम टारगेट लेते हैं कि सर हम बिगनर पे जाएंगे, बिगनर पे जाएंगे, बिगनर पिन लेवल पे। बिगनर यानी कि टोटल बिजनेस 20,000 और विकर लेक में 5,000 का। ये हमारा हुआ सर चौथा स्टेप। देन हम पांचवें स्टेप की बात करते हैं सर, स्टार्टर। स्टार्टर यानी कि टोटल हमारा टोटल बिजनेस आ जाता है 40,000, विकर लेक में आ जाता है बिजनेस 10,000, हमारा टोटल बिजनेस 40,000 या 40,000 से ज्यादा, विकर लेक में 10,000 का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा आ जाता स्टार्टर। देन अगला स्टेप आता हमारा ओपनर, यानी कि टोटल बिजनेस 70,000 या इससे ज्यादा और विकर लेक में 20,000 का बिजनेस। अगला लेवल आ जाता हमारा ईगल, यानी कि टोटल बिजनेस 115,000 और 115,000 से ज्यादा या और विकर लेक में 30,000 का बिजनेस। जब हम ये वाइटल छोटे छोटे लेवल को हम पार करते हैं, धीरे धीरे हम सीखते हैं, लोगों से बात करना सीखते हैं, लोगों को बताना सीखते हैं, लोगों से कॉल करना सीखते हैं, तो जब हम ये चीज़ें सीखते हैं तो हमारा लेवल बढ़ता जाता है। देन हमें अगला आ जाता है साहब रनर। रनर यानी कि टोटल बिजनेस 170,000 और विकर लेक में बिजनेस 40,000। अगला लेवल आता है सर विनर, जहाँ की 260,000 का टोटल बिजनेस, 260,000 या इससे ज़्यादा और विकर लेग में बिजनेस, रेस्ट लेग में बिजनेस आता 50,000। एंड नवा लेवल आता स्टार, जहाँ जी हाँ दोस्तों स्टार, जहाँ टोटल बिजनेस आपका 350,000 या इससे ज़्यादा और विकर लेग में बिजनेस आता साहब 70,000। यहाँ व्यक्ति की आपकी 10 से 12,000 रुपये की इनकम आने लग जाती साहब, 10 से 15,000 रुपये की इनकम। जी हाँ दोस्तों, 10 से 15,000 रुपये की आपके पास इनकम आने लग जाती स्टार लेवल पर। और इसके बाद जो लोअर लेवल है वो है रॉयल्टी, यानी कि रॉयल्टी, यानी कि जहां रॉयल्टी के पे यहां पे आपको इनकम आने लग जाती है 15,000 से 20,000, 15,000 से 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 15,000 से 50,000 के बीच में आपको ये रॉयल्टी की इनकम आने लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपका हमारे पास अगर हमें इस बिजनेस में कामयाबी चाहिए तो हमारे को छोटे छोटे लेवल, हमारे गोल बनने चाहिए छोटी छोटी सीढ़ियों पे, यानी कि सबसे पहले अपनी दुकान, फिर 10,000 का बिजनेस वॉल्यूम, फिर टोटल बिजनेस 20,000 का बिजनेस वॉल्यूम, फिर 40,000 का बिजनेस वॉल्यूम, फिर 70,000 का बिजनेस वॉल्यूम, फिर 115,000 का टर्नओवर, फिर 260,000 का, फिर 350,000 का, फिर रॉयल्टी। जी हाँ दोस्तों, तो हमें छोटे, कहते हैं कि आदमी हमेशा छोटे से शुरुआत करता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। तो हमें छोटे छोटे लेवल पर हमारा टारगेट बनना चाहिए अगर आपको कामयाबी चाहिए हमारे को। अगर हमें सक्सेस टिप जो है कि इस बिजनेस के 6 सक्सेस स्टेप, 6 सक्सेस कामयाबी के सूत्र। पहला है यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट।
यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। हम जो भी हम इसके जितने भी प्रोडक्ट हमारे पास गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के टोटल प्रोडक्ट है, हमारे को सबसे पहले प्रोडक्टों का यूज करना है, मिलने जुलने वाले लोगों को प्रोडक्टों को शेयर करना सब। दूसरा है मेक ए लिस्ट ड्रीम एंड प्रोस्पेक्ट, हमें हमारे सपनों की लिस्ट बनाएं, और हम जितने भी हमारे परिचित लोग दोस्त लोग क्लासमेट जितने भी है उन प्रोस्पेक्टों की हम लिस्ट बनाएं। देन जिन जो हमने लोगों की लिस्ट बनाई उन लोगों से आप संपर्क करें। तीसरा है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, यानी कि उन जिन लोगों की हमने लिस्टें बनवाई उन लोगों से आप संपर्क करें, और संपर्क करने के बाद चौथा है प्लान शो, जो आपने समझा जो आपके अपलाइन ने आपको बताया वही उन लोगों को बताना है साहब प्लान शो। और प्लान शो के बाद में जब आप प्लान दिखा देते हैं देन फॉलो, जब आप फॉलो अप करने के बाद उन लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन करवाइए, अपने साथ बिजनेस पार्टनर बनाइए, और बिजनेस पार्टनर बना के उनको भी इस सिक्स जो ये आपको जो छः स्टेप बताया सबसे कामयाबी के छः सूत्र, इन छः सूत्रों का आप फॉलो करिए। कहते हैं ना सर दुनिया में महारता हासिल भगवान जो आपको देता है वो भगवान आपको इस बात का नहीं देता कि आप कितना जानते हैं आपके पास कितना नॉलेज है, लेकिन भगवान आपको इसी बात का इनकम देता है कि आप उस नॉलेज का कितना उपयोग कर रहे हैं, आप उस नॉलेज का कितना उपयोग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप भी कहते हैं किसी काम को जब आप बार बार करेंगे तो उसमें आपकी महारत हासिल बन जाएगी, उस स्किल के आप मास्टर बन जाएंगे। तो दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आप इस कामयाबी के इन छह सूत्रों को आप फॉलो करिए और आप भी कामयाब बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप कामयाब बन सकते हैं। जय आरसीएम, थैंक यू। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe our channel.